बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की डेपुटेशन के बारे में और एक सर्कुलर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से जारी किया गया है। थोड़ा सा हम डेपुटेशन के बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन इसकी बाकायदा एक पॉलिसी है जो कि सारी इस वक्त डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि डेपुटेशन का मतलब कि एक सरकारी मुलाजम अपने एक डिपार्टमेंट में है और अपना डिपार्टमेंट तब्दील करना चाहता है, तो जिस डिपार्टमेंट में वो जाएगा बतौर डेपुटेशन जाएगा, वो एक मखसूस मुद्दत के लिए होगा। इसका बकायदा एक अलाउंस भी सरकारी मुलाजमीन को जारी किया जाता है, जिसको हम डेपुटेशन अलाउंस कहते हैं। और ये कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए कोई भी सरकारी मुलाजम किसी दूसरे महकमे में बतौर डेपुटेशन जा सकता है। तो इसके लिए बाकायदा सर्कुलर्स भी जारी किए जाते हैं, जिसके तहत प्रोविंशल, फेडरल, डिवीजन लेवल के सरकारी मुलाजमीन के तमाम हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को ये लेटर लिखे जाते हैं, ताकि सरकारी मुलाजमीन जो कि ख्वाहिशमंद हैं डेपुटेशन पे जाने के, पे वो डेपुटेशन पे जा सकते हैं। अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट हैं या लोअर डिविजनल क्लर्क हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए एक बकायदा सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अगर आप डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बतौर डेपुटेशन जा सकते हैं। सर्कुलर में क्या लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानब से 29 सितंबर 2021 को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यानी कि 3 साल के लिए आपको डेपुटेशन पर बुलाया जा रहा है स्टेनोटाइपिस्ट या लोअर डिविजन क्लर्क को, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 2 साल तक मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। 39 पोस्टें स्टेनोटाइपिस्ट की खाली हैं और 24 पोस्टें एलडीसी क्लर्क के लिए खाली हैं, तो उनके लिए जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट बेस पर होगी। जो इंटरेस्टेड ऑफिशियल्स हैं जो कि फेडरल के मिनिस्ट्रीज, डिवीजन, फेडरल डिपार्टमेंट के या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के हैं, जो कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में हैं, तो वो अपनी अप्लीकेशन सीवी के साथ थ्रू जो आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है 15 दिन के अंदर अंदर, ये जो एड्रेस है आपका डिप्टी डायरेक्टर HR2 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूम नंबर 522 ब्लॉक ए पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, फ़ोन नंबर है और ईमेल भी बता दिया गया है। 3 पैरा कह रहा है कि शॉर्ट ऑफिशियल्स विल हैव टू अंडरगो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट स्किल, कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का टेस्ट दिया जाएगा। सर्विसेज ऑफ द क्वालिफाइड ऑफिशियल्स विल बी हायर्ड ऑन डेपुटेशन बेसिस। ऑफिशियल्स अगेंस्ट होम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग और हैविंग अनसेटिस्फैक्टरी सर्विस रिकॉर्ड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। इन केस ऑफ क्वेश्चन और क्वेरीज प्लीज़ कंटेक्ट अस। तो नीचे जो जिसने इश्तिहार दिया है, मोहम्मद अर्शिद साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर HR2 के हैं, फ़ोन नंबर भी दिया गया है, और तमाम फेडरल मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट इन इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ये कॉपी भी भेजी गई है, और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो सेंक्शन हैं एट इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, तो उनको भी ये कॉपी भेज दी गई है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जाने के, तो आपके लिए एक शानदार मौका है। आप बज़रिया अपना महकमा वहाँ पे अपनी डेपुटेशन पे 5 साल के लिए जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।